आपको पता है इन सब तस्वीरों में कॉमन क्या है? ये सब दलित आदिवासी समाज से थे। हाँ थे, क्योंकि अब ये लोग दुनिया में नहीं हैं। एक और चीज कॉमन है, इन सब की मौत कथित आत्महत्या से हुई है। एक और चीज इन सब के बीच कॉमन है, इन सब की मौत के पीछे जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप है। इन सब में एक और चीज कॉमन है, ये सब पढ़े लिखे थे, देश के सबसे बड़े संस्थानों में पढ़ रहे थे। दरअसल देश की बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दलित आदिवासी छात्रों की सुसाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? बात है 17 जनवरी 2016 की। जगह थी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। खबर आती है कि एक पीएचडी छात्र की आत्महत्या से मौत हो गई है। वो छात्र था रोहित वेमुला, जाति से दलित। आरोप लगा कि रोहित की जान यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना की वजह से गई। उस वक्त देश भर में दलित और पिछड़ी जाति से जुड़े छात्रों के साथ हुए भेदभाव को लेकर आवाज उठी थी। अब करीब 7 साल बाद देश के बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दलित आदिवासी छात्रों की सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी कई अहम सवाल उठाए हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि हाशिए पर रहने वाले वर्गों के छात्रों के बीच आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। Incidents of suicide of students from marginalized communities are becoming common. These numbers are not just statistics. They are stories sometimes of centuries of struggle. चीफ जस्टिस ने अपने स्पीच में IIT बॉम्बे में BTech फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे एक दलित स्टूडेंट दर्शन सोलंकी की कथित आत्महत्या की घटना का जिक्र किया था। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले दर्शन सोलंकी ने 12 फरवरी 2023 को कथित तौर पर अपने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। अब शायद कुछ लोग कह सकते हैं कि आप सुसाइड करने वालों की जाति क्यों देख रहे हैं, तो जवाब उन्हें आंकड़े देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया था कि साल 2014 से लेकर 2021 के बीच IIT, IIM, NIT और देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में करीब 122 से अधिक छात्रों की मौत आत्महत्या से हुई है। इन 122 खुदकुशी करने वालों में से 68 छात्र रिजर्व कैटेगरी से आते थे, जिसमें 24 छात्र दलित यानी अनुसूचित जाति और 41 छात्र OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से थे और 3 छात्र ST यानी अनुसूचित जनजाति से थे। आप सोचिए, शिक्षा के मंदिर में दलित आदिवासी को घुसने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है और फिर जाकर आत्महत्या। आपको कुछ और सरकारी आंकड़े दिखाते हैं जो बताते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए IIT IIM कैसे अछूत बन गए हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद में पेश किए गए डेटा के मुताबिक खड़गपुर, इंदौर, दिल्ली, गांधीनगर, तिरुपति, मंडी और भुवनेश्वर के IIT में सामान्य श्रेणी के छात्र ज्यादातर उच्च जातियों से हैं। आप इन IIT में छात्रों के आवेदन और एडमिशन के आंकड़े अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इन्हीं IITs में PhD के लिए SC उम्मीदवारों ने जो आवेदन दिया और कितनों का एडमिशन हुआ वो देखिए। दलित आदिवासी समाज के छात्र ही नहीं बल्कि फैकल्टी को लेकर भी भेदभाव नजर आता है। साल 2022 में BJP नेता किरीट प्रेम भाई सोलंकी की अध्यक्षता में बनी संसदीय पैनल की रिपोर्ट में पाया गया था कि पक्षपातपूर्ण रवैये और भेदभाव के कारण एम्स से MBBS करने वाले SC ST छात्रों को बार बार एग्जाम में फेल किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली के एम्स में अक्सर ये देखा गया है कि दलित आदिवासी छात्रों ने थ्योरी परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में असफल घोषित कर दिया गया। यही नहीं, SC ST वेलफेयर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दलित और आदिवासी समुदाय से आने वाले लोगों को फैकल्टी में नौकरी पाने के दौरान भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी डेटा के मुताबिक देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT और IIM में प्रोफेसर के 11,000 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। अब अगर दलित आदिवासी समाज से आने वाले फैकल्टी की बात करें तो मिशन मोड में सीट भरने का दावा करने के बाद भी देश भर के IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साल भर में SC ST OBC फैकल्टी के खाली पड़े पदों में से सिर्फ 30% भर पाए हैं।
देश भर के 23 आईआईटी और 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5 सितंबर 2021 से 5 सितंबर 2022 यानी कि एक साल के भर्ती अभियान के बावजूद एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए 1439 पदों की पहचान की गई थी, लेकिन सिर्फ 449 की भर्ती की गई। ये बात सीपीआईएम के सांसद एस वेंकटेशन के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 19 दिसंबर 2022 को बताया था। एक और आंकड़ा देखिए, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से 33 ने एससी एसटी कैटेगरी में कुल 1097 खाली पद की पहचान की थी, जिनमें से सिर्फ 212 भरी गई थी। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि इन 33 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से 18 ने खाली पद की पहचान करने के बावजूद एससी एसटी ओबीसी के फैकल्टी मेंबर की भर्ती नहीं की थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि आंकड़ों में मत उलझाओ, तो ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की रियल कहानी देखिए। साल 2021 में आईआईटी मद्रास में जातिगत भेदभाव के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर विपिन पी विटिल ने इस्तीफा दे दिया था। एक और असली कहानी देखिए, मुंबई के टीएन टोपीवाल नेशनल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पायल तड़वे ने अपनी जान दे दी थी। पायल इस कॉलेज में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। पायल की मां ने तब क्विंट हिंदी को बताया था कि पायल की 3 सीनियर लगातार उनकी रैगिंग कर रही थी और जाति सूचक बातें भी कही जा रही थी। बात साफ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से लेकर आंकड़े बता रहे हैं सिस्टम में और लोगों की सोच में गड़बड़ है। जातिगत भेदभाव जान ले रहा है, शिक्षा नौकरी में आगे आने से रोका जा रहा है, और इसे ये कहकर नहीं नकार सकते कि अब जमाना बदल गया है, या देखो मेरे तो दलित दोस्त भी हैं और मेरे ग्लास में वो पानी भी पीते हैं। सच को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और खुद से पूछिए, जनाब ऐसे कैसे।